आचार्य जी, पिछली बार जो केदारनाथ वाला कैंप था तो मैंने आपसे पूछा था कि जितनी बार मैं आ रही हूँ कैंप, मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा, आनंद आने लगा, मतलब मेंटल पीस आने लगा। तो आपने कहा था अब बाहर निकलो, बाहर निकल के कुछ करो। बाहर निकल के करके तो समझ आया, मतलब कोई मेंटल पीस सारे ही चला गया समझिए। अब क्या करूँ, थोड़ी बहुत देर को तनाव हो अंदर गया। आइए, हाँ थोड़ी देर को अंदर आइए, फिर जब लगे कि अब शांति मिल गई है तो फिर बाहर चली जाइए, बाहर वाले फिर शांति तोड़ देंगे। फिर अंदर आइए, फिर ताकत इकट्ठी करिए, इससे इतना ही होगा। मुझे तो लगा था परमानेंट मिल गई है। इसीलिए तो मैंने बाहर भेजा था। जिन लोगों को लगता है कि उन्हें परमानेंट कुछ मिल गया, उनसे मैं कहता हूँ जाओ जरा उसका कुछ परख परीक्षण कर लो। फिर पता चलता है अरे ये तो नकली निकली, दुनिया ने दो झटके मारे और पट्ट से टूट गई। अच्छा जी, इतना तनाव हुआ, बहुत तनाव हुआ। तो फिर वापस लौटिए, भीतर आइए, अपने आप को मजबूत करिए, और फिर जो मजबूती मिली है उसका परीक्षण करने पुनः दुनिया में बाहर निकलिए। इस बार जो मजबूती मिलेगी वो पिछली बार से ज्यादा होगी, लेकिन ज्यादा होने के बावजूद दुनिया उसे फिर से तोड़ेगी। तो आप पुनः भीतर आइए और मजबूती करिए, दुनिया के लिए क्रमशः मुश्किल करते जाइए आपको तोड़ना। इसी प्रक्रिया पर चलते चलते एक दिन ऐसा आएगा, मुझे क्या पता, मैं क्यों बताऊं। कुछ सस्पेंस रहना चाहिए। अच्छा जी, हमारे परिवार में एक बच्चा था, मतलब जेठ का बेटा था, वो परेशान था। मैं जेठ को भी समझाती थी, उनकी वाइफ को भी समझाती थी, बेटे को भी समझाती थी, पर वो नहीं समझे। फिर बाद में उसने आत्महत्या कर ली। वो इतना चुप गया ना, वो बात ऐसा लगता है इतना आपसे ज्ञान मिल जाए कि बाकी बच्चों को समझा पाऊँ, और वो नहीं समझा पा रही हूँ। कोशिश करती रहिए, बहुत बुरा लगता है आचार्य जी। ये दुख ही आपका ईंधन बनेगा। और फिर समझाने जब जाती हूँ तो फिर पूरे माँ बाप सबको तो नहीं खींच के ला सकते ना, सबको सब तो हो सकता है, निर्भर इस पर करता है कि आपकी बेचैनी कितनी गहरी है। सब हो सकता है। दुख की गहराई से ही तो गहराई की शुरुआत होती है ना। जिसने दुख की गहराई ही अनुभव नहीं करी, उसे जीवन में कौन सी और गहराई मिलेगी भाई। और अध्यात्म तो गहरी से गहरी गहराई है। जिन्हें अध्यात्म में जाना हो उनके लिए तो दुख एक प्रकार से आवश्यक हो गया। जब तक दिल टूटेगा नहीं, दिल झूठ से ही लगा रहेगा। दिल टूटने का मतलब होता है झूठ टूटा। और ऐसा लगता है जैसे एक लिमिट में है, मेंटल पीस भी एक लिमिट में चाहिए। फिर लगता है कि जो सामने ज़्यादा टेंशन में उसको खींचो ऊपर, फिर खुद भी गिरते हैं। ये प्रक्रिया चलेगी, इसी का नाम साधना है। मेरी दृष्टि में सिर्फ इसी को साधना कहते हैं। जीवन में उतरना, जहां कहीं झूठ है उसे चुनौती देना, पूरी जान लगा देना, और बार बार मात खाना, बार बार चोट खाना और हारना, और हर बार हारने के बाद दोबारा तैयार होकर के संग्राम में कूद पड़ना, यही साधना है। इसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म ये सब नहीं है कि कमरे में बैठ गए और संगीत सुनने लगे, कि आंखें बंद कर ली, कि खुशबू फैला दी, और ये सब, ये थोड़ी है। मंदिर की उपयोगिता यही है कि आशीर्वाद लें और संग्राम की ओर कूच करें। सैनिक को यह बिल्कुल शोभा नहीं देता कि वो मंदिर में ही बैठ जाए। मंदिर तक जाइए, घंटी बजाइए, प्रणाम करिए और
और संग्राम की ओर बढ़ जाइए। आता जी, हमारे परिवार में 6 भाई बहन हैं, सारे क्लास 1 ऑफिसर हैं। उसके बाद जो तनाव है वो मतलब हमारे परिवार में उतना नहीं है, क्योंकि सब बच्चे आपके पास आ चुके हैं, और बाकी परिवार के बच्चों का हम देख रहे हैं हाल, और सब मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट पे, मेजर जनरल हैं, तक पे हैं, पर उनको तनाव बच्चों को बेहद, और मेरी तो मतलब कोई सुनता ही नहीं है बातचीत, मतलब तो ये सोचती हूँ कि आपके पास आती हूँ तो शायद समझा पाऊँ, पर नहीं समझा पाती। इस निराशा को, इस बेबसी को याद रखिएगा। रही परिवार की बात, तो आपने वो बात सुनी जो मैंने इनसे कही। मेजर जनरल हो या कुछ भी हो, है तो दुख भी दो तरह का होता है, एक जो सजा के तौर पे मिलता है और एक जो प्रसाद के तौर पर मिलता है। साधक को दुख के प्रसाद की लालसा रहनी चाहिए। आप जिस दुख की बात कर रही हैं वो साधना का प्रसाद है, वो अभी आपको और मिलेगा। और उसमें जो चमत्कारी बात होगी वो ये कि आपको जैसे जैसे दुख मिलेगा वैसे वैसे उस दुख को झेलने का सामर्थ्य भी मिलेगा। आम आदमी की तो हैसियत ही नहीं होती कि एक सीमा से ज्यादा दुख झेल पाए, तो इसीलिए दुख भी उसे कितना मिलता है, थोड़ा थोड़ा। साधक को ही अपार दुख मिलता है। गहरा दुख भी किसी गहरे आदमी के ही हिस्से की चीज है। उथले छिछले आदमी को दुख भी उथला और छिछला ही मिलता है। तो ये ना मनाइए कि आपको दुख ना मिले, कहिए दुख मुझे सजा के तौर पर नहीं प्रसाद के तौर पर मिले, गहरा मिले। मुझे वो चिंदी चिंदी दुख मत देना कि आज दूध फट गया, आज पड़ोसन ने ताना मार दिया, बिटिया बात नहीं सुन रही, पति घर से ज्यादा बाहर रहने लगे हैं। ये दुख मत देना मुझे भगवान। दुख वो देना कि छाती फट जाए, और छाती वो देना जो कैसा भी दुख झेल जाए। स्वागत है, प्रसाद आपको और मिले।